हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह बीमारी होता है, उस समय में इधर उधर का इलाज कराते रहते हैं। ये आप में कमी नहीं है, ये जानकारी के अभाव के कारण होता है। कुष्ठ रोगी को यदि पैर में घाव हो जाए, हाथ में घाव हो जाए तो बहुत दिनों तक घाव का यानी सामान्य घाव का इलाज कराते रहते हैं, जो कि गलत है। कुष्ठ रोग का जो घाव होता है, चमड़ा सुन्न रहता है और चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपका ये घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। घाव को ठीक करने के लिए भी अंतर जानना जरूरी है। लेप्रोसी का घाव यानी कुष्ठ रोग का घाव अलग तरीके का घाव होता है, उसमें किसी भी तरह का आपको दर्द पीड़ा नहीं होता है, चमड़ा सुन्न रहता है और वहाँ धीरे धीरे गलने लगता है। यदि हाथ पांव का उंगली में घाव हो जाए तो धीरे धीरे घाव आगे बढ़ते बढ़ते हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है। तो ये घाव, लेप्रोसी का घाव जो होता है, पैचेज यानी पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलना, ये सबसे खतरनाक स्थिति होता है लेप्रोसी में। यदि चमड़ा सुन्न हो जाए यानी चमड़ा सुन्न रहने लगे और हाथ पैर में ये सुन्नपन बढ़ जाए तो ये क्या करेगा। यदि आपका पैर में सुन्न होना धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका चप्पल निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और पूरे स्वस्थ आदमी की तरह आप पूरे अच्छे से आप चल नहीं पाएंगे, बल्कि पांव को धीरे धीरे उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उठाकर लोग चलते हैं, अक्सर आप लोग देखे रहते हैं। इसमें आपको नॉर्मल हवाई चप्पल बिना सैंडल वाला पहनेंगे तो निकल के फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेप्रोसी के मरीज को सैंडल वाली यानी सैंडल वाला आपको चप्पल पहननी चाहिए ताकि फेंका न सके। सुनबहरी बहुत लोगों को मालूम शुरू में नहीं रहता है और मालूम भी चल जाता है तो क्या चलता है। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि एमडीटी का दवा इसका उपचार है। जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो एमडीटी का दवा खाने के लिए सलाह दिया जाता है। जब आप एमडीटी दवा खाने लगते हैं तो आपको ये लगता है कि बीमारी हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दो माह छः माह तक बीतने के बाद में जब बीमारी ठीक नहीं होता है या साइड इफ़ेक्ट आने लगता है तो आप घबरा जाते हैं। कई लोगों को ये शुरू में ही साइड इफ़ेक्ट देने लगता है अथवा खाते हैं बीमारी कंट्रोल में नहीं आता है। यदि आप कल्पना कीजिए कि सारा बीमारी यदि एलोपैथ से ही ठीक हो जाता तो होम्योपैथ दवा का निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात को समझिएगा, हेनी महेंद्र साहब ऑलरेडी एमबीबीएस एमडी थे और बहुत अच्छे जानकार थे एलोपैथिक दवा का। उन्होंने एलोपैथिक दवा हमेशा रोगी को दिया करते थे लेकिन बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता था और कई साइड इफ़ेक्ट कर देते थे एलोपैथिक दवा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चिकित्सा पद्धति का खोज किया जाए जिससे कि साइड इफ़ेक्ट ना हो और बीमारी को जड़ से ठीक कर दे। तो रेस्पेक्टेड हेनीमैन साहब ने ये पूरे मानवता के कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने लगा दिया था ताकि आपको अस्थाई रूप से
बिना साइड इफेक्ट किए आपका बीमारी जर्म से ठीक हो जाए। 60 दिन से लेकर 60 साल तक का चर्म रोग होम्योपैथिक दवा से एकदम आसानी से ठीक किया जाएगा। यानी जब फाइलेरिया का हमने लाइफ किया था वो 66 साल पुराने फाइलेरिया को मरीज को जब ठीक कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक दवा नए बीमारी के साथ साथ पुराने बीमारी को ठीक करने में भी बहुत ही कारगर है। यदि चमड़ा सुन हो जाए, चकते आने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, यदि आपका सुनप्पन बढ़ेगा यानी सुनबहरी यदि आपके शरीर में बढ़ने लगे तो आगे चल करके आपके हाथ पांव को उंगली को टेढ़ा कर देगा, चेहरे को टेढ़ा कर देगा, उंगली को टेढ़ा कर देगा, काफ़ी कमजोरी और थकान रहने लगेगा। इसमें झंझनाहट के साथ में तीव्र दर्द होता है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा भी मारेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि झिनझिनी आपको थोड़ा सा भी मारेंगे तो आपको प्राण निकल जाएगा। सुई बेधने के तरह आपको चुभते रहता है इसका दर्द। इसमें आपको धूप में तो आपको नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि धूप कम आपको बर्दाश्त होता है, बिल्कुल धूप बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जगह जगह पर फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये जो चेहरे में चले जाएंगे तो चेहरे को टेढ़े कर सकते हैं और जो आँख का पलक है बिल्कुल आपका नहीं गिरेगा। तो हाथ से कोई सामान छूट जाए आसानी से, पैर का चप्पल आसानी से निकल जाए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। यदि आपको सुनने से यदि कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति केवल सुन को ही देखे, चमड़ा में सेंसेशन है कि नहीं, सबसे पहले कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ जिस प्रकार का व्यक्ति हो, चमड़ा का सुन होना पता करे कि उसका चमड़ा सुन है कि नहीं। यदि सुन है तो आप भले शौक से जांच कराने के लिए आप कहीं चले जाएं, लेकिन एक ही सिम्टम के आधार पर कुष्ठ रोग को घर बैठे आसानी से आप पहचान लेंगे कि लेप्रोसी की बीमारी आपको हो गई है। ऐसे एलोपैथ से रोकथाम तो हो जाता है बहुत लोगों का, लेकिन जैसे दवा खा छोड़ते हैं उनका बीमारी पुनः बैक होने लगता है। कुष्ठ रोगी को हरा सब्जी, फल, फ्रूट्स, दाल, दूध, दही, हर चीज़ खानी चाहिए और शरीर को ताकत जो दे, स्ट्रांग बना दे। तो आज विश्व योग दिवस है, हेवी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बल्कि हल्के हल्के व्यायाम आपको करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हल्का व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम आपको ज़्यादा कारगर रहेगा। कई लोग काफ़ी दूरी तक दौड़ना शुरू कर देते हैं, इससे फायदे की जगह पर नुकसान हो जाएगा। लेप्रोसी के मरीज को भारी वजन नहीं उठानी चाहिए, उनको दर्द आने की संभावना रहती है। पुराने होने पर यदि लेप्रोसी आपका पुराना पड़ जाए तो आपको बुखार आने लगेगा और हल्का हल्का उसमें दाना भी निकलना शुरू हो जाता है, यानी आपको एलर्जी की शिकायत भी रह सकती है। और अधिक पुराना हो जाए तो आपका लंग जो है यानी सांस लेने में दिक्कत और भोजन आंत की जो नली है सिकुड़ सकता है, इसलिए भोजन को निगलने में आपको दिक्कत हो सकता है। यानी कुष्ठ रोग को अगर छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को, आपके शरीर के पूरे सिस्टम को खराब करके रख देता है और जीवन को काफ़ी कष्टकारी बना देता है। ऐसे ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। एलोपैथ से भले आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा हो, लेकिन होम्योपैथ से आपका 100% बीमारी ठीक होके रहेगा। यदि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो गया है और उसमें
आपको विशेष सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। भारत में प्रत्येक साल 1.5 लाख लोग कुष्ठ रोगी हो जाते हैं। ऐसे पूरे विश्व का तो आंकड़ा नहीं है, आप समझ सकते हैं कि दुनिया भारत में खास करके बहुत बड़ा जनसंख्या है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। इसमें आपको प्रत्येक साल आपको 1 से 1.5 लाख रोगी इसका नया हो जाते हैं। इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। चमड़ा सुन हो जाए कहीं पर भी 1-2 रुपया कलम से, कुछ कलम नहीं हो तो चिट्ठी है, कहीं पर भी काटिए, चमड़ा मोटा हो जाए, यही पहचान है। चमड़ा काला होने लगे, मोटा होने लगे और आँखों से कम दिखाई देना भी इसकी पहचान है। पलक के सामने गिरता नहीं है और आपका जहाँ पर चमड़ा सुन हो जाएगा वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, पसीने निकलना बंद हो जाएंगे। तो ये सारा और आपको ये जो लेप्रोसी के कारण से यौन क्षमता धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वैवाहिक जीवन खुशहाली पूर्वक बिताने में आपको कठिनाई हो सकती है। लेकिन इसका भी होम्योपैथिक दवा बिना साइड इफ़ेक्ट का आपको ले सकते हैं, यानी आपको लेप्रोसी हो जाए और उसमें यौन दुर्बलता आपको धीरे धीरे आपको हो रहा हो, जैसे कमेंट में आया था कि सर लेप्रोसी की वजह से उनकी यौन क्षमता जो है 0 हो गया था। यानी आपको 0 भी हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लेप्रोसी की वजह से यौन क्षमता आपको धीरे धीरे कम हो गया है तो उसका अलग इलाज करा कर उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, या पेट का गैस्ट्रिक है उसको भी ठीक कर सकते हैं। कई लोगों को माथा घूमना और सिर में दर्द रहता है लेप्रोसी के मरीज को, या ऐसे भी आपका सिर चक्कर दे और सिर में हमेशा दर्द बना रहे तो आपको ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। ब्लड प्रेशर भी एक जांच बहुत नियमित तौर पर लोगों की होनी चाहिए। कई सारे लोग ब्लड प्रेशर का और शुगर का जांच नहीं कराना चाहते हैं, जांच में जाना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कोई ना कोई डॉक्टर बीमारी यदि निकाल दिए तो फेरे में पड़ जाएंगे, और इस तरह से वो सोच उनको उनके जीवन को और उन पूरे परिवार के जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि ब्लड प्रेशर यदि आपको बहुत ज़्यादा है, सिर घूम रहा है, सिर में दर्द है, चक्कर है, शुगर है, दोनों ही घातक बीमारी है, आपको पैरालिसिस यानी आपको हाथ पांव आपको बिल्कुल नाकाम हो सकता है, इस शुगर के वजह से पैरालिसिस भी आपको मार सकता है, यानी लकवा ग्रस्त आपका शरीर हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को और शुगर को हमेशा नपवाते रहें। यदि लेप्रोसी के अतिरिक्त में यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर है, यानी आपका लेप्रोसी है, साथ में सर में चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द है, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मेरे कहने का मतलब है कि कुष्ठ रोग के साथ में आपको जितने भी बीमारियां हैं सबको एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है और सिर्फ होम्योपैथिक दवा से ही ऐसा संभव है। इलाज चलने के बाद में कई सारे मरीज पूछते हैं कि क्या सर जो हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा होता है सीधा हो जाएगा? एकदम बिल्कुल आपका हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जो टेढ़ा हुआ है चेहरा वो भी बिल्कुल आपको नॉर्मल हो जाएगा। चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कुष्ठ रोग हो, सोराइसिस हो, दिनाए हो, खाज हो, खुजली हो, सभी को होम्योपैथिक दवा जड़ से ठीक करने की ताकत रखता है और आपको जरूर विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि ये भी पूरे दुनिया में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है।
यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ तो आपको समझनी चाहिए कि आपके डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। अन्यथा होम्योपैथिक में जरूर इतनी शक्ति है कि सही दवा और सही डॉक्टर मिल जाए तो आपका बीमारी 100% ठीक होकर रहेगा। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथिक दवा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको डॉक्टर और दवा का चुनाव सही सही हो। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी संबंधी, चमड़ा संबंधी कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके निदान पा सकते हैं। चाहे कितना भी पुराना क्यों ना चमड़े का बीमारी हो, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है 100%। जय हिंद, जय